हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, आज आप सबको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था, तो जीएस पेपर वन हो चुका है जो 9:30 से 11:30 तक था। अब सेकेंड होगा 2:30 से 4:30 तक। तो आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं उसके, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आप सबके लिए, एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि आंसर्स बताना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हमारे अलग एक्सप्लेनेशन हो, यूपीएससी के कुछ अलग एक्सप्लेनेशन हो, तो जैसे ही ऑथेंटिक हमें वो मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा, हम इसको सर्च कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आंसर सर्च कर लेंगे। तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही चल रहे हैं, तो आप वहां से आंसर की देख लेना। मैं आपको बस बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितना, मतलब कैसा पेपर था। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको ये देख लेना है कि परिवारजक किसे कहते हैं, श्रमिक किसे कहते हैं या उपासक किसे कहते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर से ले सकते हैं या फिर मेडिवल हिस्ट्री से ले सकते हैं, ये वहां से है। उसके बाद सेकंड है फ्रेंड्स, भारत हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय हाथी हाथी होते हैं उनके संदर्भ में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए कि करीब 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, एनवायरमेंट कह लो आप या वन्य जीव से कह लो। उसका रीजन ये होता है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स, वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड होता है, इसलिए ये इसमें उसका पोर्शन एनवायरमेंट वगैरह का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है कि भारत में जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बायोबेट, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आई थिंक मार्च 2020 का करंट अफेयर्स है, बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंघा की वो प्रजाति जो पक्की भूमि पर पलती फूलती है, केवल घास बची है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है इस्पात स्लेज, निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकती है फ्रेंड्स, ये देख लो, इसमें तो तीनों होते हैं, तीनों के लिए होती है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन पदचिन्ह घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख लो ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, हालांकि बहुत इजी भी नहीं है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, पेपर अच्छे थे। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, खेती में बायोचर का क्या उपयोग होता है, वर्टिकल फार्मिंग जिसकी बात होती है, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, आप इसको पढ़ेंगे, बहुत कॉमन चीजें होती हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय गलती नहीं करनी चाहिए, आप आंसर अपने आप देख सकते हैं। भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, प्लीज इसमें जो टिक किया है उसको आप ऑथेंटिक मत मानिएगा, उसमें जो ऑथेंटिक होगा हम आपको शाम तक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स, ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे कि हाँ ये इनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद नदी युग्मों पर विचार कीजिए, नदी और कहाँ जाके मिलती है, ये सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा आ गया कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है, बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर था अभी तक का, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सभी अनाजों दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थक मूल्य का भ्रामक भारत के किसी भी राज्य यूटी में सीमित होता है, इसको आप देख लीजिए, एमएसपी से पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक पत्र किसे कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं,
ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये पता होना चाहिए आपको। यदि किसी पौधों की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, बहुत कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदूरा और चौल किस लिए विख्यात है। उसके बाद जीरो टीलेज मतलब शून्य जुताई का क्या लाभ होता है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बस क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पाद के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, आप इसे देख सकते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ दिन पहले, चूंकि देखिए अब आप ये कहेंगे कि करंट अफेयर्स में ऐसा कहाँ पे था, फ्रेंड जब इनमें से किसी भी चीज के लिए कुछ भी कोई आर्टिकल आता है, कोई रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है, तो उस पे न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं कि उसका कहाँ यूज हो सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, तो ये वहां से लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसल के लिए की जाती है, ये देख लेंगे। 27, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर, ये आसान है, आप प्लीज इसको दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद है 29, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों को पारिस्थितिकी अनुकूली कृषि माना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये आप देख लीजिएगा। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसमें वेस्ट टेक्सास होना चाहिए, ये इंटरमीडिएट हिंदी इसकी बहुत गूगल ट्रांसलेट होती है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद 34 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय रेंज में सम्मिलित हैं। उसके बाद 35, भारत में कौन से कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। उसके बाद ट्रिम्स व्यापार संबंधी निवेश उपायों, इसमें से कौन सा सही है, इसको आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है 37, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, यहां से आता ही आता है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ये भी क्वेश्चन आता ही है। 39, किसी क्षेत्र को अल्पकालिक खाद परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्र सहकारी बैंक, इसको आप देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, कृषि में फर्टिगेशन क्या सिक्के क्या लाभ हैं। उसके बाद निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, भारत में उपयुक्त कौन से अधिकाधिक रूप से नामित मेजर मिनरल्स हैं, भारत के कौन से मेजर मिनरल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत महासागर औसत तापमान ओशियन मीन्स टेम्परेचर जो है कौन सा कथन सही है उससे रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के मरुभूमि उद्यान सॉरी मरु राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में क्या कौन सा सही है। 46, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। 47, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ये आपको बताना है प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य कौन कौन से हैं। 48, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल वर्गीकृत किया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 49 है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये जोग्राफी इजी है। 50, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। उसके बाद होता है, उसके बाद क्वेश्चन है 51, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, इनको आप देख लीजिएगा।
52 है राज्यसभा की, लोक राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? पॉलिटी इजी है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास एमपीलेड के बारे में है, क्योंकि कुछ समय पहले एमपीलेड बहुत सुर्खियों में था तो ऑब्वियस था कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? उसके बाद भारत में न्यायपालिका का कार्य कार्यालय से पृथककरण किससे व्यादेशित है, मतलब कि इसमें किस चीज में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगा। उसके बाद 56 है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद इकोनॉमिक रूपरेखा मतलब द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सम्मिलित रहता है, ये किस में कहा गया है। उसके बाद 57, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। उसके बाद 58, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है? ये लगभग हर बार इस टाइप के एक दो क्वेश्चन होते ही हैं। 59, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाला लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है, ये आपको देखना है। उसके बाद 60 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और उसका विषय, ये तो एक दो क्वेश्चन इनसे होते हैं, ये भी बहुत ऑब्वियस है, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि हाँ इससे होंगे। 61, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ये भी देख लीजिए इसमें क्या है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, मेडिवल हिस्ट्री आई थिंक। 62, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बौद्ध और जैन धर्म से भी एक दो क्वेश्चन होते हैं हर साल, तो आपको वो तैयार रहना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, ये हिस्ट्री के पोर्शंस यहाँ से शुरू हो चुके हैं। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको आपको प्राचीन काल से मतलब कालानुक्रम में दिखाना है। उसका 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत से प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषा की जाती है? 66 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा किससे संबंधित है, या उनके बारे में जो कथन दिए गए हैं उसमें बताना है आपको। 67 है, गांधी इरविन समझौता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही अक्सर आता है। 68 है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटा अल्विंसद किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? उसके बाद है 69, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या क्या निर्दिष्ट करते हैं? उसके बाद 70 है, किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है, इसको आप देख सकते हैं। 71, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें, आपको डेफिनेशन बताना है संसदीय व्यवस्था का। 72 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श की घोषणा करता है? 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संघवाद और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। उसके बाद 74 आता है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच समान सहमति पाई जाती है, कौन सी है? उसके बाद 75, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? उसके बाद भारत के संविधान की उद्देशिका उसके बारे में है, जो पहले भी आ चुका है। 77, रिजर्व ट्रांस जिसको हम स्वर्ण ट्रांस भी कहते हैं वो क्या निर्दिष्ट करता है? उसके बाद 78 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विश प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी है फ्रेंड्स, ये आराम से हो सकते हैं। 79 में आपको बताना है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। 80 है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत करने का कर सकता है वगैरह वगैरह, इसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 81। उसके बाद है 82, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, खेत में फसल पर पीड़क नाशी छिड़कना, इसमें जो दिया गया है उसमें बताया कि ड्रोन का उपयोग किसमें किसमें किया जा सकता है आसानी से। उसके बाद फ्रेंड्स आता है 83, 83 में है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति, प्लीज आप इसको देख लेना, ये साइंस का क्वेश्चन है। और साइंस के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर जो स्पेस एजेंसीज हैं या स्पेस होता है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं या डिफेंस से रिलेटेड बन जाते हैं, तो ये करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन होते हैं। 84 ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन है, साइंस के जो एक दो क्वेश्चन होते हैं उनमें से। उसके बाद 85, इसमें
न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन इसका उपयोग है, चूंकि ये साइंस का पोर्शन है आप देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पद्वन किस प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है, 86, 87 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है, आप इसको बताएंगे। उसके बाद 88, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उसके बाद 89, यदि भविष्य निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्त प्रदान कर सकते हैं। आपको बताना है कि मतलब भारत अगर स्टेबल होगा तो इनमें से कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से वो रहेगा। 90 है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था पर तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सिंपल सी बात है, मनी डिप्लेशन सॉरी मनी क्रिएशन का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। 91 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता तो इसमें बताना है कि उसका विवरण कौन सा सही है। उसके बाद 92 है, 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित रहा। 93 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ। उसके बाद 94 है, बेलजली ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। 95 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान तथा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है। 96 है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकृतिक हस्तांतरण का प्रयोग किस लिए होता है। उसके बाद 98 है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित कर सकती है। देन 99 है फ्रेंड्स, VLC दृश्य प्रचार संचार। उसके बाद तकनीकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लास्ट है ब्लॉकचेन तकनीकी, और फ्रेंड्स ब्लॉकचेन तकनीकी पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं कि पेपर आपका यही था। अगर मैं कहूँ तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, इसके साइंस के कुछ पोर्शंस बहुत टफ थे, हिस्ट्री एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे। ओवरऑल जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था वो इजी था, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इजी थे, तो पेपर बहुत इजी या बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। चूंकि अक्सर ऐसा होता है कि 40 से 50 तक UPSC हमेशा ऐसा वो करता है कि 40 से 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और हर सारे 100 में से 100 आपको करने भी नहीं होते हैं। तो अगर आप बहुत पेशेंसफुली क्वेश्चन को रीड करते, उसको समझने की कोशिश करते बिना स्ट्रेस लिए, बिना घबराए, तो पेपर ओवरऑल सही किया जा सकता था। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ इसका जनरल का कट ऑफ 98 से 99 तक जाना चाहिए, और वही एक दो क्वेश्चन आगे पीछे OBC का होगा। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो 98, 100 इसके बीच में ही कट ऑफ होगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से पेपर है। तो चूंकि अभी इसका आंसर ऑथेंटिक आंसर नहीं आया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा आंसर दूं को आपको लगे कि नहीं ये गलत है या बाद में हुए। तो शाम तक या रात में इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ PDF आपको मिल जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अगर कोई बात है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।